हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के एम टी कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक, फिगर में देखते हैं उसके बाद समझते हैं। बोला है कि ए बी सी डी एक प्रकार का ट्रेपीजियम है विथ ए बी पैरेलल टू डी सी, जिसमें ए बी जो है वो डी सी के साथ पैरेलल है। उसके बाद बोला है कि अ लाइन पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ए सी क्या है? इस ट्रेपीजियम का डायगोनल है। इस ए सी डायगोनल के पैरेलल, समझिएगा बात को। अब पैरेलल जाएगी तो या तो उधर साइड जाएगी तो या तो नीचे साइड जाएगी। भाई ऑप्शन तो दो ही है, या तो जैसे देख सकते हैं जैसे एक्स वाई जो है, ठीक, तो ये या तो अपवर्ड जाएगी या तो डाउनवर्ड जाएगी पैरेलल। ठीक, इसके अलावा तो कहीं जाएगी नहीं। तो हम कहाँ पास पैरेलल खींचेंगे, समझिएगा बात को। जो पैरेलल लाइन है, यहाँ पास बोला ना कि अ लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी। अब वो ए बी को इंटरसेक्ट करेगा, समझिएगा बात को, तो जनरली से बात है अपवर्ड में जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैंने पैरेलल यहाँ पास खींचा है। ठीक, तो इसलिए मैंने पैरेलल इधर खींचा है। अब उसके बाद बोल रहा है कि जो ये लाइन है एक्स वाई, ठीक है ना, वो ए बी को कहाँ पास इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स पॉइंट के पास। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं एक्स पॉइंट के पास। और बी सी मतलब इस बी सी को कहाँ पास कर रहा है? वाई पॉइंट के पास। ठीक, ये बोल रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो प्रूव करना है, प्रूव डैट कि एरिया ऑफ ए डी एक्स, ठीक, ए डी एक्स वाला जो ट्रायंगल का एरिया है वो किससे इक्वल है? ए सी वाई के साथ। ठीक है ना, ए सी वाई के साथ ये इक्वल है। दोनों ट्रायंगल का एरिया हमको इक्वल करना है। आइए इक्वल प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन गिवन में क्या है? ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ए बी सी डी क्या है? एक प्रकार का ट्रेपेजियम है, जिसमें हमारा जो ए बी है वो किससे पैरेलल है? हमारा डी सी के साथ, या सी डी एक भी एक ही चीज़ है। और जो हमारा ए सी है वो किससे पैरेलल है? एक्स वाई के साथ। ठीक है ना, एक्स वाई मतलब यहाँ पास देख सकते हैं कि जो लाइन मैंने पैरेलल खींची है वो ए बी को इंटरसेक्ट की तो एक्स बना, और बी सी को इंटरसेक्ट की तो वाई बना, तो इसलिए लाइन का नाम एक्स वाई पड़ गया। ठीक, चलिए अब हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। टू प्रूफ, तो प्रूफ में बोला है कि एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया हमको इक्वल करना है। आइए प्रूफ करते हैं। ठीक, तो प्रूफ करने से सबसे पहले इस फिगर में हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि सी एक्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ये नाक टाइप जा रहा है, मतलब ये समझिए कि ज्वाइन किया है हमने, कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पास लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन सी एक्स। ठीक, चलिए अब आइए हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, मेन प्रूफ की प्रूफ। ठीक, तो प्रूफ करने से सबसे पहले यहाँ पास अगर देखा जाए तो हमारा जो ट्रायंगल ए डी एक्स, ठीक, और ट्रायंगल ए सी एक्स, ठीक, ए डी एक्स मतलब ए डी एक्स और ए सी एक्स मतलब ये ए सी एक्स, ठीक, किस पर है? सेम बेस पर है। आपको फिर से मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में रिपीट किया हूँ, फिर से इसी क्वेश्चन में भी रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस पर हो, जैसे ये दोनों ट्रायंगल जो हम देखा जाए तो ए डी एक्स और ए सी एक्स किस पर टिके हैं? ए एक्स पर। ठीक, सेम बेस पर हो और वो सेम पैरेलल लाइन के अंदर हो, मतलब सेम पैरेलल लाइन के अंदर हो, जैसे यहाँ पास जो हमारा ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो किसके अंदर है? ए बी पैरेलल टू डी सी के अंदर है। ठीक है ना, अब ये जो दोनों लाइन है ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना, ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के। गिवन में हमको यहाँ पास दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब वही डी सी एक चीज़ है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हैं, जो दोनों ट्रायंगल है ए डी एक्स और ए सी एक्स, ठीक, और वो दोनों सेम बेस पर है। तो ऐसा कंडीशन अगर आता है कि कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के अंदर हो तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या सकते हैं, कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स था वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए सी एक्स ना, ए सी एक्स। ठीक है ना, ए सी एक्स है, ए सी एक्स। ठीक,
चलिए ये हमारा इक्वल हुआ, ये हमारा बना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखा जाए ट्रायंगल एसीएक्स को देखा जाए, अगर देखा जाए ध्यान से ट्रायंगल एसीएक्स एंड ट्रायंगल एसीवाई, ठीक है ना। अब देखा जाए एकदम सेम क्राइटेरिया वही लगाएंगे हम, अगर देखा जाए एसीएक्स, ठीक एसीएक्स हुआ और एसीवाई, ठीक है ना, ए सी वाई किस पर टिके हुए हैं, किस पर टिके हुए हैं, ए सी के ऊपर टिके हुए, मतलब सेम बेस क्या है इन दोनों ट्रायंगल का, अगर देखा जाए सेम बेस, सेम बेस वो क्या है ए सी है, ठीक। और सेम पैरेलल लाइन मतलब, सेम पैरेलल लाइन के अंदर है, मतलब सेम पैरेलल मतलब क्या, ये जो अगर देखा जाए ट्रायंगल ए सी एक्स और ए सी वाई वो किसके अंदर है, ए सी पैरेलल टू एक्स, एक्स वाई के अंदर है, मतलब यही दोनों लाइन के अंदर है ना। तो ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल, यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि ए सी जो है वो पैरेलल है एक्स वाई से, ठीक। तो यहाँ पास भी देखा जाए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक, तो हमारा दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के अंदर है, तो हमारा जो ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी वाई, ठीक है, ए सी वाई, ए सी वाई, ए सी वाई, हाँ ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन टू, ठीक। अब देखा है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को मिला के, ठीक, हमको जरूरत किस चीज़ का है, ए डी एक्स को, इस ए डी एक्स को किसके साथ, ए सी वाई के साथ इक्वल करना, ठीक, इन दोनों के साथ, ठीक है। तो चलिए इक्वल करते हैं, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारा इक्वेशन वन में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स जो है वो किससे इक्वल है, ए सी एक्स के साथ, तो हम ए सी एक्स के जगह पे इसको भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई, ठीक, यही हमको प्रूव करना है, ठीक। ये ब्रैकेट के अंदर था ऊपर, मतलब ब्रैकेट के अंदर मतलब एक प्रकार का ट्रायंगल है क्योंकि तीन साइड दिया है, मतलब तीन पॉइंट दिया तो तीन साइडें होगा, मतलब ट्रायंगल बन गया कुल मिला कहना है। ये हमारा क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक मिनट ना, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स जो है वो ए सी वाई ट्रायंगल के साथ इक्वल है, हेंस प्रूव, बस ऐसे आपको करना है, ठीक। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई दो ट्रायंगल किसी पर्टिकुलर सेम बेस पर हो और वो दोनों ही ट्रायंगल किसी सेम पैरेलल लाइन के अंदर हो, यहाँ पास बिटवीन का यूज कर सकते हैं, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक, यहाँ पास भी आप यूज कर सकते हैं करना चाहे तो, ठीक। इसको थ्योरी के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है कि सेम पैरेलल पर है और सेम पैरेलल लाइन के अंदर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक, ऐसे आपको करना है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।